देश भर में लोकसभा 2019 की काउंटिंग चल रही है। अभी तक रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे है। इसको लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह और जश्न का माहौल है। बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में जीत को सेलिब्रेट करने के लिए खास तैयारी की गई है। पार्टी के मीडिया सह प्रभारी नीलकांत बख्शी ने बताया कि पंत मार्ग स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर चुनाव के नतीजे देखने के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। कुछ देर बाद यहां मनोज तिवारी भी पहुंचने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी ने जश्न के लिए बाकायदा कमल बर्फी और लड्डू पेस्ट्री केक मंगवाया है। बंगाली मार्केट की मशहूर लड्डू और मिठाई भी मंगवाई गई है। उनमें से एक 7 किलो का बड़ा केक ऑर्डर किया गया है। नतीजों के बाद मनोज तिवारी केक काट कर सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह से नौ और केक बनवाए गए हैं। ये केक चांदनी चौक के मशहूर बीकानेर स्वीट शॉप से मंगवाई गई हैं। इसके साथ ही 50 किलो कमल बर्फी भी मंगवाया गया है, जिसका रेट लगभग 2000 रुपये है। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इन सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से आगे हैं, लेकिन अमेठी में वो भाजपा के स्मृति ईरानी से पीछे चल रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर और गांधीनगर से अमित शाह आगे हैं। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 चरणों की वोटिंग प्रक्रिया के दौरान 67.11% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा है। इस बार ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में डीएनए को साफ तौर पर बहुमत मिलने के अनुमान जाहिर किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का भरोसा जाहिर किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मोदी विरोधी दलों के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया था। डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।